बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको आज की इस वीडियो में उस नुस्खे जो मैंने पहली वीडियो में दिया है उसको तैयार करने का तरीका और उसका इस्तेमाल वो बताने लगा हूँ कि वो किस प्रॉब्लम के लिए है, तातों के वो कौन से मसाइल हैं जिनमें वो इस्तेमाल किया जाता है। एक तो दांतों में पैदा होने वाला पीलापन, दूसरा मसूड़ों की सोजिश जो मसूड़ों में सूजन पैदा हो जाती है उसके लिए है, और ये जो मुंह में बैक्टीरिया बन जाते हैं उसको भी वो ख़त्म करता है। तीसरा ये जो मुंह से बू आती है खासकर इसको भी वो ख़त्म करता है। वो जो मैंने रेमडीज़ आज आपको बतानी है आप वो इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला मुंह से बू भी नहीं आएगी और मसूड़ों से खून भी नहीं आएगा और दांतों का पीलापन भी ख़त्म होगा। ये नुस्खा आप घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपने यही वज़न रखना है तो ठीक है, मैं नुस्खा की तैयारी के लिए वज़न को दोगुना करूँगा। जैसा कि कत्था सुरख ऊपर लिखा है आधा तोला, ये मैं पूरा तोला करूँगा। छोटी इलायची, काली मिर्च, नमक, ये सब चीज़ें मैं दुगनी कर दूँगा। माजू में सुराख नहीं होने चाहिए। माजू का वज़न एक तोला रखें। यह माजू है सबज, इसमें सुराख नहीं होने चाहिए, ये बेसुराख है। जैसे लकड़ में होता है ना सुराख, गोल गोल सेंक लगी होती है, उसको भी सेंक लग जाती है, और इसमें जरासीम सुराख बना देते हैं। इसको आपने ग्राइंड करना है, ठीक है, इस तरह ग्राइंड करें, इसको पीसें। ये माजू सबज जो सुराख बेसुराख है, इसमें सुराख नहीं है। ये सर जब पंसार स्टोर से आप जब ख़रीदेंगे ना, इसको आपने चेक कर लेना है, इसमें सुराख नहीं होने चाहिए। इसको आपने ग्राइंड करना है, चाहे कुंडी डंडे में कर लें। उसके बाद मैं इसमें डालूँगा काली मिर्चें। इसको ये माजू एक तोला है, माजू एक तोला है। मैंने इसको ना वज़न डबल कर लिया था, तो ये आधा तोला ना जब मैं लेने के लिए गया ना बाज़ार से, उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा कि तोला लेकर दें। माजू बारीक हो चुका है, ये अब इसमें ये मैं काली मिर्चें और मैं इसमें है ना इजाफी दो लौंग भी डाल दिए हैं, दो लौंग ये भी पीसने लगा हूँ। काली मिर्चें तकरीबन 50 और 60 दाने थे काली मिर्चों के, एक दो लौंग भी थे इसमें। यह छोटी इलायची है सबज 12 आदद, मुश्क फूर है। ये मुश्क फूर जो है ना, ये आपको इस तरह चीनी तरह मिलेगा, ये इसका पाउडर होता है, चीनी तरह दाना होता है, इसको थोड़ा सा डाल लेना है। तकरीबन ये दो माशे है, ये तकरीबन मैं दो माशे और डालूँगा, ये है ना चार माशे हो गया वज़न के हिसाब से ना। नमक ये तकरीबन आधी से पौनी चमची है, ये इसमें डाल देंगे, इसे मिक्स कर देंगे। ये कत्था बाज़ार से पंसार स्टोर से लिया है, ये दो तोले है, इसमें आधा डालना है एक तोला। ये जो मैंने नुस्खा पहले बताया था ना वो तकरीबन था कत्था आधा तोला, और उसमें माजू सब्ज भी आधा तोला लिखा था, काली मिर्च 30 दाने थी, और छोटी इलायची सब्ज 6 आदा थी, नमक आधा चम्मच था, मशहूर दो माशा था। ये मैं सारा जो मैंने वज़न है ना वही डबल कर लिया है, इससे मुराद यानी कि कत्था सुरख जो हो गया वो पूरा तोला कर दिया, एक तोला माजू सबस पूरा तोला कर लिया, मशहूर चार माशे कर लिए, काली मिर्च 6 दाने कर लिए, छोटी इलायची तकरीबन 12 आदत, यानी मैंने वज़न बढ़ा लिया है। वो जो मैंने नुस्खा आपको बताया था ना वो मैंने कागज़ पर लिखा था, वो आपके सामने किया था, लेकिन ये मैंने वज़न थोड़ा बढ़ाया है, डबल कर लिया है। ये आप देख लें, इसे चेक कर लें, ये बहुत अच्छा रहेगा, ये मुँह से बू नहीं आएगी और मुँह में जो जरासीम होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इस नुस्खे की मकदार मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आपने कितना इस्तेमाल करना है। ये तकरीबन आपने इतना का ले लेना है, ये ऐसे, ये ऐसे हाथ की थली पर रख लेना है, ऐसा दो चुटकियाँ कह लो या तीन चुटकियाँ कह लो,
ये आपने है ना, ये ऐसे है ना दांतों को मलना है इसको उंगली की मदद से। ये बहुत बारीक हो गया है, इसमें दाना भी नहीं, ये मलना है आपको। ये आपकी है ना जुमला जो शिकायत है ना आपके मसूड़ों की, दांतों की, वो ख़त्म हो जाएंगी। ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें, इससे आपके दांतों की सेहत बहुत अच्छी रहेगी और दांत मोतियों की तरह चमकेंगे और आपकी जो मुंह की बू है, स्मेल है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।